हाय गाइस, माय नेम इज़ संजू सिन्हा। वेलकम टू माय चैनल महक रसोई। और आज मैं लेकर आई हूँ एक अच्छी सी रेसिपी, सॉफ्ट पकौड़े वाली कढ़ी। तो देखते हैं उसको बनाते कैसे हैं, चलिए देखते हैं। 500 ग्राम हमने दही ली है, फ्रेश दही, और खट्टी हो तो वो और भी अच्छी है, बहुत अच्छी बनती है। उसमें हम 100 ग्राम बेसन लेंगे और उसको अच्छे से हम विस्कर की मदद से बहुत अच्छे से इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे और उसमें फुल ऑफ वाटर कर देंगे। इसका हम एक बैटर ऐसा तैयार करेंगे जो कढ़ी के लिए बनाया जाता है, बहुत ही लिक्विडेड, बहुत ही ज़्यादा फुल ऑफ वाटर होना चाहिए। इसको हम अच्छे से विस्कर की मदद से पूरा इसका अच्छे से फाइन पेस्ट बना के फिर इसमें हम वाटर ऐड कर देंगे। और फिर इसमें हम जो वाटर है बहुत ज़्यादा ऐड करेंगे। और हम इसको छौंकने के लिए हम क्या क्या इसमें यूज़ करने वाले हैं, हमने इसमें ग्रीन चिली ली है 2, और हमने अदरक लहसुन लिया है, 8 से 10 कलियाँ हैं लहसुन की, उसको हमने फाइन चॉप कर लिया है। और इसमें हमने एक अनियन लिया है, बड़ा अनियन, उसको हम चॉप ने हमने मोटा मोटा काट लिया है। और इसमें हम टमाटर, मोस्टली लोग कढ़ी में टमाटर ऐड नहीं करते हैं, बट मैं जो भी कढ़ी बनाती हूँ उसमें मैं टमाटर ऐड करती हूँ। और ये हमने जो पेस्ट बनाया था इसमें हम वाटर ऐड करेंगे, इसको हम फुल ऑफ वाटर जितना भी है, मतलब 1 लीटर 1.5 लीटर, अगर हमने 500 ग्राम दही लिए तो 1 से 1.5 लीटर पानी उसमें लगता है कढ़ी को अच्छा प्रॉपर वे में पकाने के लिए। तो हमने इसमें, और अब हम अलग से पकौड़ी बनाने का इसका हम प्रिपरेशन करेंगे। इसमें हमने 200 ग्राम बेसन लिया है और इसमें थोड़ी सी हम अजवाइन ऐड करने वाले हैं, थोड़ा सा इसमें हम स्वाद अनुसार नमक और हल्दी डालेंगे। तो थोड़ा सा हमने इसमें हल्दी ऐड किया है, नमक स्वाद अनुसार हमने इसको में ऐड करना है। और उसके बाद हम इसका ऐसा टेक्सचर बनाएंगे, ऐसे स्मूथ इसका पेस्ट बनाएंगे जिससे कि इसको हम जब उठाएं तो ये इजीली हाथ से उठ जाए और हम इसको इसके हम गोल गोल राउंड राउंड बॉल से पकौड़े बना लें। इसका हमें पेस्ट पतला नहीं बनाना है ना ही मोटा बनाना है, एक मीडियम इसमें पेस्ट ऐसा बनना चाहिए, ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसमें कि जब हम इसको हम हाथ से उठाएं और इसमें हम जब फ्राई करें तो बहुत इजीली गोल गोल राउंड बॉल्स बन जाएं। तो इसका ऑलमोस्ट ये पेस्ट रेडी है, विस्कर की मदद से ये भी हमने इसको बना लिया है और इसको हम साइड रख देंगे। और उसके बाद हम इसको फ्राई करने का प्रोसेस करेंगे और कढ़ी छौंकने का भी प्रोसेस साथ ही का साथ करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब हमने इसमें कढ़ाई फ्लेम पे ऑन कर दी है, उसमें हम फ्राई करने के लिए ऑयल डालेंगे जितने आराम से इसमें हमारे पकौड़ियाँ बन जाएं, हम उतना ही ऑयल यूज़ करेंगे। और एक तरफ हम कढ़ाई चढ़ा देंगे कढ़ी छौंकने के लिए, तो दोनों प्रोसेस एक साथ होगा तो जल्दी कढ़ी बन जाएगी। कढ़ी कम से कम आधा घंटा रहती है अच्छी कढ़ी बनने के लिए। अब इसमें हमने ऑयल ऐड कर दिया है वैसे गर्म हो, अभी तक जो हमने पेस्ट बनाया था पकौड़ियों के लिए तो वो इसको हम इसमें फ्राई कर देंगे। तो इसको हम इसमें फ्राई कर लेंगे और इसको भी हम देखते रहेंगे और उधर हम इसको कढ़ी को छौंकने का प्रोसेस करेंगे। देखिए कैसे मैंने छोटे छोटे से इसमें बॉल डाले हैं और वो फूल के मोटे मोटे हो जाएंगे और बहुत ही अच्छा बनेगा। और ये बिल्कुल फूल के गोल गोल हो जाते हैं, बिल्कुल रुई की तरह, मतलब इतने सॉफ्ट पकौड़े बनते हैं इसके। और वैसे लोग चने की दाल के भी पकौड़े बनाते हैं इसमें ऐड करने के लिए कढ़ी में, पालक के पकौड़े बनाते हैं, मेथी के बनाते हैं, मेथी की कढ़ी बनती है, वेजिटेबल्स के आलू प्याज के पकौड़े बनाए जाते हैं। अब इसको हम पलट देंगे, ये देखिए कितने बड़े बड़े हो गए, ज़रा ज़रा से छोटे छोटे मैंने डाले थे लेकिन ये इतने बड़े बड़े इसमें बाउल्स बन गए हैं, बिल्कुल बॉल बन गए हैं इसमें। और अभी इधर हमने जो छौंकने का प्रोसेस किया था इसमें हम 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे, 1 चम्मच मेथी, और मेथी ऐसी इसमें चटकनी चाहिए पूरी रेड हो जानी चाहिए, ब्लैक नहीं होनी चाहिए, रेड एकदम हो जानी चाहिए, तब तक का वेट करना चाहिए। और जो हमने जो भी चॉप करके रखा हुआ था वो सब हम इसमें ऐड करेंगे। और इसमें हम रेड चिली, साबुत रेड चिली यूज़ करेंगे और इसको तोड़ के क्रश करके हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको हम थोड़ा सा अच्छे से इसको स्टिर कर लेंगे कि ये थोड़ा सा तेल में पक जाए। इसमें मेथी का सबसे मेन रोल होता है कि मेथी काली नहीं होनी चाहिए, रेड जैसी होती है तब इसका अरोमा और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा कढ़ी में आता है। वही जीरे का भी प्रोसेस है, वो काला नहीं होना चाहिए, ऐसा इसमें पकना चाहिए। अभी ऑलमोस्ट डन हो गया है तो इसमें बाकी का चॉप किया हुआ जो हमने इन्ग्रीडियंट्स था, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन,
वो सब इसमें हम ऐड करेंगे। तो अब इसमें हम बाकी का चॉप किया हुआ इंग्रेडिएंट्स इसमें हम ऐड करेंगे। इसमें पहले हम इसमें अदरक और लहसुन डालेंगे जो उससे इसमें ब्राउन हो जाए, पक जाए, फिर हम हरी मिर्च, टमाटर, प्याज सब इसमें ऐड करेंगे। पहले हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे और जैसे ही लहसुन इसमें ऐड होता है उसके बाद हम इसमें जैसे ही लहसुन पकने लगेगा इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे, फिर इसमें जो हमने चॉप किया हुआ था प्याज वो इसमें ऐड कर देंगे। और प्याज ज़्यादा हमें इसमें पकाना नहीं होता है, हल्का सा पिंक ट्रांसलूसेंट जैसे ही हो जाए तो बाकी के सारे मसाले ऐड करके फिर हम उसमें कढ़ी छोंक देते हैं। ये देखिए ऑलमोस्ट सारी पकौड़ियाँ हमने बना ली हैं, सारी पकौड़ियाँ एकदम बॉल की तरह गोल गोल राउंड राउंड बॉल बन गए हैं। थोड़ा थोड़ा सा हमने इसमें ऐड किया था, बड़े फूल के बहुत बड़े बड़े पकौड़े बन गए और ये भी ऑलमोस्ट डन हो गए हैं। तो पकौड़ियों को तो निकाल के एक प्लेट में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और साइड रख लेंगे और उसके बाद हम आगे के कढ़ी बनाने का हम प्रोसेस करेंगे। उसमें प्याज जैसे ही पिंक होना शुरू हो जाए, जैसे ही ट्रांसलूसेंट होना शुरू हो जाता है तो उसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। जो हमने दो टमाटर लिए थे मोटा मोटा काट लिया और उसको हम इसमें ऐड कर देंगे और बाकी के हम इसमें मसाले स्लोली स्लोली ऐड करेंगे। अब इसमें हमने 2 चम्मच हमें कोरिएंडर पाउडर, जैसे सब्जी में डलते हैं सारे मसाले वैसे ही हमें कढ़ी में भी डाल, लेकिन मोस्टली लोग कढ़ी बनाते हैं तो खाली हल्दी और नमक और सही करते हैं। इसमें हम 1 चम्मच हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपको कलर लाना है तो उसमें आप कश्मीरी मिर्च थोड़ा ऐड कर सकते हैं, दही मिर्च डालेंगे तो तीखा हो जाएगा। और इसमें हमने थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर ऐड किया है और इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। और कढ़ी में हमेशा नमक एंड में डालना चाहिए क्योंकि कढ़ी में पानी बहुत ज़्यादा डलता है, तो जब ऑलमोस्ट वो पक जाती है तब हम उसमें नमक ऐड करते हैं, तो उससे हमें स्वाद का पता चलता है और हमें नमक कितना डालना है वो भी हमें पता चलता है। और उसमें हम 1/2 स्पून हम इसमें हींग ऐड करेंगे। वैसे मैंने इसमें 1/4 ही लिया है, आप चाहें तो अगर आपको हींग का स्वाद ज़्यादा चाहिए तो आप उसमें ज़्यादा हींग ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने 1 चम्मच सौंफ पाउडर, आप चाहें तो साबुत सौंफ भी डाल सकते हैं और आपके पास सौंफ का पाउडर है तो आप वो बैठ सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको मसाले को पका लेंगे, अच्छे से पका लेंगे। और इसमें एक ऐसा टॉप का इंग्रेडिएंट्स है जिससे कि कढ़ी का स्वाद बिल्कुल डिफरेंट और अच्छा होता है, जिससे इसमें वो पेस्ट डालने के बाद कढ़ी का स्वाद बिल्कुल अलग लगता है और वो खाने में ना जो लिक्विड होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। उसकी जो ग्रेवी होती है कढ़ी की बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, वो उसी की वजह से उसमें वो टेस्ट आता है। जो लोग वो नहीं खाते हैं उनको तो वो पसंद नहीं आएगा, लेकिन जो लोग खाते हैं उनको बहुत अच्छी लगने वाली है। इसमें हमने अनियन का अलग से एक पेस्ट, रेड अनियन हमने, मैंने 1/4 प्याज लिया था उसको उसमें डाला था। ये देखिए पकौड़े ऑलमोस्ट सारे रेडी हैं, सारे बना के मैंने प्लेट में करके साइड रख दिए। अब ये कढ़ी का मसाला जो है ऑलमोस्ट पक चुका है, प्याज भी जो हमने पेस्ट डाला था वो भी पक गया है, सारा ऑलमोस्ट डन है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके उसके बाद हम इसमें बाकी का प्रोसेस करेंगे और इसमें हम इसको चलाते रहेंगे, ऐसे स्टिर करते रहेंगे। और जो हमने बैटर इसका तैयार करके रखा था अब उसको हम फाइनली इसमें ऐड कर देंगे, अच्छे से विस्कर से चला के कि नीचे अच्छे बेसन बैठ ना गया हो, तो बेसन उसको अच्छे से उसको मिक्स करने के बाद हम इसमें इसको हम पूरा ऐड कर देंगे और कढ़ी के पकने का वेट करेंगे। और कढ़ी जब अच्छे से पक जाएगी तो उसमें नमक ऐड करके कसूरी मेथी और धनिया के साथ हम गार्निश करके उसको सर्व करेंगे। और हम देखिए अब इसमें फुल ऑफ वाटर, पूरा इसमें पानी एकदम भर देना है, कम से कम 1.5 लीटर पानी इसमें होना चाहिए, 1.5 लीटर पानी, जिससे पतला लिक्विड हो। और इसको पकने के लिए कुछ नहीं करना है, ऐसे छोड़ दीजिए, चलाने की ज़रूरत नहीं होती। जब ये पक रही होती है तो अपने आप ही इसमें रोटी जैसा बनना शुरू हो जाता है ऊपर से, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि कढ़ी पक गई है। उसके बाद आप इसमें पकौड़ियाँ ऐड करके इसको 2 से 4 मिनट तक आप इसको उसको पका सकते हैं कि इसमें सारी कढ़ी ऑब्जर्व हो जाए, तो कढ़ी भी अच्छे से
पक जाएगी। और इसमें जो अब आखिरी में हमारा हमको इसमें नमक ऐड करना है स्वाद अनुसार। मैंने कहा था ना कि जब हम ज़्यादा पानी डालते हैं तब नमक नहीं डालना चाहिए, उससे हमें कढ़ी का एक्चुअल स्वाद पता नहीं चलता है और कितना हमें नमक डालना चाहिए, कभी ज़्यादा कभी कम हो जाता है। जब कढ़ी ऑलमोस्ट पूरी पक जाती है तो हमें इसमें नमक ऐड करना चाहिए। तो उससे नमक ऐड करने के बाद ये कढ़ी ऑलमोस्ट डन हो जाएगी। और इसमें जो पकौड़े थे उसमें भी इसमें ऑब्जर्व कर लिया है कढ़ी को। अब इसमें हमने थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करी है जिससे इसका बहुत ही अच्छा अरोमा आता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कढ़ी का। और इसको फिर हम हरे धनिए से गार्निश करके इसको हम सर्व करेंगे। इसको भी एक दो मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे, फ्लेम ऑफ नहीं करेंगे, तो इसमें जो धनिए का अरोमा है वो भी अच्छे से ऐड हो जाएगा और एक अच्छी सी कढ़ी बनके तैयार होगी जो बिल्कुल अलग तरीके की। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे हिट जरूर करें। अगर बेल आइकन पे हिट करेंगे तो आपको न्यू वीडियो का अपडेट्स मिलता रहेगा। तो ये देखिए बिल्कुल ग्रीन एंड येलो देखने में कितनी अच्छी लग रही है। अब हमारी कढ़ी बिल्कुल रेडी है। अब इसको आप रोटी चपाती और राइस के साथ सर्व करिए, बहुत अच्छी लगेगी। इसको लोग घी देसी घी का भी इसमें चौका लगाते हैं जिसमें हींग और जीरा और साबुत लाल मिर्च से चौका लगाते हैं। आप चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं, बट मेरी कढ़ी ऑलमोस्ट रेडी है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।